हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि फायर पैनल आपका बार बार अलार्म दे रहा फॉल्ट दे रहा है और उसे आप साइलेंस करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इसमें कोई भी फॉल्ट ना आए। तो ये मेरा एक हनीवेल का फायर पैनल है, तो इसमें दिखाते हैं हम इसको कैसे रीसेट करेंगे। देखो, पहले मैं आपको रीसेट करके दिखाता हूँ। कोई फायर अलार्म नहीं आ रहा, लेकिन फॉल्ट आ रहा है। अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। ये आपका देखो पेंट्री का आ रहा है, ये 58 फॉल्ट। तो मैंने देख लिया कि मेरा डिवाइस फॉल्टी है और मैं चाहता हूँ इस पर कोई भी मुझे फॉल्ट ना दिखे। तो इसको स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको रीसेट करेंगे, बिल्कुल बाहर जाएंगे। 5 नंबर दिख रहा है तो एक्शन में जाएंगे 5 नंबर में। उसके बाद हम 4 नंबर व्यू करेंगे, नहीं 7 नंबर कमीशनिंग करेंगे, कमीशनिंग सॉरी 7 नंबर पे कमीशनिंग है। पासकोड है 9898। ओके करेंगे दोबारा से। अब इसमें लूप पे जाएंगे, मेरे पास 2 लूप हैं, तो 2 नंबर पे 2 लूप पर 2 लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर पे लर्न करेंगे, तो कौन सा लूप में मुझे प्रॉब्लम आ रही है वो देखना पड़ेगा। तो मैं दोनों लूप को करूँगा, पहले मैं एक दबाऊँगा और कोई करूँगा, कन्फर्म करेंगे। ओके, फिर प्रोग्रेस पे चल पड़ेगा। मैंने पहला लूप किया है कन्फर्म, ये प्रोसेस पे चल रहा है। थोड़ा मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। ये मेरा पहला लूप हो चुका है। लूप 1 में 66 डिवाइस ने चेक कर चुका है। अब क्या करेंगे, बैक जाएंगे इसमें हम और लर्न करेंगे दोबारा से, लूप 2 लर्न करेंगे। अब ओके कंफर्म करेंगे, अब लूप 2 को लर्न करने देंगे। ये लूप 2 मेरा 98 डिवाइस को सर्च कर चुका है, मतलब हमने अभी कंफर्म कर दिया कि हाँ हमने फोल्ड देख चुके हैं। अब वो फोल्ड कुछ देर तक नहीं आएंगे। अब देखो रीसेट करूँगा मैं इसको और बैक करूँगा, एग्जिट 0 बैक, अब रीसेट। अब देखो मेरा फायर पैनल अब बिल्कुल ठीक है, वोल्ट भी 0 है, फायर भी 0 है, सब कुछ 0 है। ये तब काम आएगा जब आप सोच रहे हो आपकी क्लब फायर विजिट है और आपका पैनल ठीक है, फॉल्ट आ रहे हैं कुछ टेक्निकल फॉल्ट से, तो इससे आप कर सकते हो, तो आपका फायर में कोई भी फॉल्ट नहीं दिखेगा।